हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं अनीश, शेफ्स कंसल्टेंसी से आपका होस्ट, एक शेफ और एक कंसल्टेंट। तो आज जिस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है उन लोगों के लिए जो एक नया रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं या फिर वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो क्या होता है कि आप एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आप रेस्टोरेंट बनाने में लगा देते हैं, जिसमें आप 5-10 लाख रुपये, 20 लाख, 50 लाख रुपये या 1 करोड़ रुपये तक भी लगा देते हैं। बट आपका जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है सिर्फ आपकी सेल्स पर, कि आप सेल कितनी कर रहे हैं और आपके रनिंग ओवरहेड्स कितने। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि सेल्स के अकॉर्डिंग आपके रनिंग ओवरहेड्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, और मैं आज आपको उसका एग्जांपल भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये एक अजम्पशन है, बट ये जो हम रिवर्स कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 80-90% जो है ये आपके जो भी आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं उससे वो मैच जरूर करेगी। और ये आपको एक आइडिया देगा कि आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होता है आपने रेस्टोरेंट के ऊपर कर दिया, उसके बाद जो आपके जो रनिंग ओवरहेड्स हैं वो आपके क्या रहने वाले हैं, किस परसेंटेज पर रहने चाहिए, और उसके बाद आपका प्रॉफिट जो है वो कितना बच के आएगा। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपके रनिंग ओवरहेड्स में। तो इसमें सबसे पहले तो आपकी सैलरीज आ जाती हैं, देन आपका फूड परचेज आ जाता है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है वो आ जाता है, देन उसके बाद आपका इसमें स्टाफ अकोमोडेशन का रेंट आ जाता है, और फिर कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सडन एक्सपेंस आ गए, या आपका मेंटेनेंस का कुछ चार्जेस है वो हो गया, देन आपके फ्यूल चार्जेस आ गए। फ्यूल चार्जेस इन द सेंस, अगर आपके रेस्टोरेंट में इंडियन किचन है जहाँ पे तंदूर है तो उसमें चारकोल जो यूज़ होता है वो हो गया, देन आपके अगर गैस रेंज है, गैस यूज़ होती है तो LPG का कंजप्शन आ गया उसमें, देन आपका जो आपका जेनसेट है, अगर लाइट जाने के ऊपर अगर आपका जेनसेट रखा हुआ है तो जेनसेट में जो डीजल डलता है वो भी आपके फ्यूल कॉस्ट में ही आ जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैटेगरीज हैं आपके रनिंग ओवरहेड्स की, इसमें जो आपकी परसेंटेज, एक आइडल परसेंटेज होनी चाहिए जो आपको मेंटेन करनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप बात करूँगा फूड कॉस्ट की। फूड कॉस्ट अगर हम लेके चलें तो आइडल जो है वो 30% है, जो कि मैं अपने पिछले वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। तो 30% जो होती है आपकी फूड कॉस्ट होती है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है वो हम एक 4% का आइडल लेके चलते हैं। इसके बाद आपका शॉप का रेंट आ जाता है। शॉप का रेंट हम लोग नॉर्मली 8-10% के बीच रखते हैं। उसके बाद जो मैं फ्यूल कॉस्ट की बात कर रहा था वो 4-4.5% के बीच में आइडली होनी चाहिए। और जो आपके स्टाफ की सैलरीज हैं वो 18% आइडली होनी चाहिए। 18% से ज़्यादा यानी कि 20% हो सकती है कुछ एक बड़ी फर्म्स के लिए, बट छोटी फर्म्स के लिए, छोटे रेस्टोरेंट के लिए 18% से जो ऊपर है वो नहीं होनी चाहिए आपकी सैलरीज की कॉस्ट। स्टाफ एकोमोडेशन की कॉस्ट हम लेके चलते हैं सिर्फ 2%। उसके बाद मिसलिनियस अगर एक्सपेंसिस की बात करें तो वो आपके 2% से ऊपर नहीं होने चाहिए। उसके बाद ले लेते हैं नॉन फूड। नॉन फूड में आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपके रेस्टोरेंट की क्लीनिंग मटेरियल जो कि क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है वो हो गया, देन आपका पैकेजिंग मटेरियल हो गया, ये सब चीज़ें जो आपकी आती हैं वो नॉन फूड में आती हैं। तो नॉन फूड भी आपका 2-2.5% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एट लास्ट बात कर लेते हैं आपके वेस्टेज की, यानी कि अगर आपके रेस्टोरेंट में कुछ वेस्टेज होती है, चाहे वो बेवरेज की होती है या आपके किचन में होती है, तो वो आपकी वेस्टेज जो है वो आपके टोटल सेल की 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये थे सारे पॉइंट्स और इनकी परसेंटेजेस। अगर हम इनको टोटल कर लें सारा का सारा तो ये आपका बनता है अराउंड 74% आपकी टोटल परसेंटेज आपके रनिंग ओवरहेड्स की। तो ये बेसिकली कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आप रेस्टोरेंट कैसे रन ओवर कर रहे हैं और आप कैसे ध्यान रख रहे हैं अपने रेस्टोरेंट में रनिंग ओवरहेड्स के ऊपर। तो आप कहाँ पे सेविंग्स कर सकते हैं तो वहाँ पे सेविंग्स करें। तो जैसे अगर आप सेविंग्स करेंगे तो ये 74% की कॉस्ट आपकी 70% तक भी आ सकती है, बट अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो यही 74 आपका 80-85% तक भी जा सकता है। तो चलिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो मान लीजिए अगर मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करने की सोच रहा हूँ और मैंने जिस लोकेशन में ओपन करना है वहाँ की सेल्स भी अज्यूम कर ली कि कितनी हो सकती है मेरे रेस्टोरेंट में, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे शुरू करूँगा 8 लाख रुपए से। यानी कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक लोकेशन में रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए, वहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरी सेल्स है वो 8 लाख रुपये होने वाली है। तो 8 लाख के हिसाब से फूड कॉस्ट के परसेंटेज, जैसे हम 30% बात कर रहे थे, तो 8 लाख का जो 30% हुआ वो हुआ आपका 2,40,000 रुपये। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 4% के अकॉर्डिंग हुआ 32,000 रुपीज़, यानी कि 32,000 रुपये। इसके बाद शॉप रेंट की बात कर लेते हैं, जो कि मैं 8-10% पकड़ के चल रहा था, तो हम 10% ऑन द मैक्सिमम साइड पकड़ लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 8 लाख के ऊपर वो हो गया आपका 80,000 रुपीज़। उसके बाद आपकी फ्यूल कॉस्ट जो कि हमने 4% तय की थी, तो 4% में क्या क्या आपका इंक्लूड मैंने बताया था, जेनसेट का डीजल, चारकोल और आपकी LPG गैस। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो फ्यूल कॉस्ट का जो अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 36,000। उसके बाद सैलरीज की जो परसेंटेज थी वो 18% थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बनता है 1,44,000, यानी कि 1,44,000 रुपये। मिसलिनियस हमने 2% पकड़ा था, तो 8 लाख के हिसाब से 2% हुआ आपका 16,000 रुपये।
स्टाफ एकोमोडेशन भी हमने 2% पकड़ा था, तो वो भी आपका 16,000 रुपये। नॉन फूड हमने 2 से 2.5% के बीच में आइडियली लिया था, तो मैं ऑन द मैक्सिमम साइड 2.5% पकड़ के चलता हूँ, तो वो आपका होता है 20,000 रुपीज़ 8 लाख की सेल पे। और लास्ट में बात कर लेते हैं आपका वेस्टेज, यानी कि आपके रेस्टोरेंट की वेस्टेज, चाहे वो बेवरेज की है, चाहे वो किचन में आपकी कोई वेस्टेज हो रही है, तो वो हमने तय की थी 1%, यानी कि 8,000 रुपये। तो ये सारा अमाउंट टोटल जो है आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो हो जाता है 5,92,000, यानी कि 5,92,000 रुपये। तो इसका टोटल हुआ 5,92,000 और आपकी जो टोटल सेल हुई वो हुई 8 लाख रुपीज़। तो आप इस अमाउंट को, 8 लाख रुपीज़ को आप 5,92,000 से माइनस करेंगे, तो आपके पास जो अमाउंट बच जाएगा वो बचेगा 2,08,000 रुपये, यानी कि 2,08,000 रुपीज़। तो जो 2,08,000 रुपये है वो आपका प्रॉफिट होता है। बट ये डिपेंड अगेन उसी पे करेगा कि आप कितना फोकस होकर अपने रनिंग ओवरहेड्स पे जो काम करते हैं और उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो आप एक रेस्टोरेंट बिजनेस में जो 2,08,000 रुपये 8 लाख की सेल पे सेव कर लेते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है एज ए प्रॉफिट, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसे मैनेज करके चलें। ये तो मैंने आपको एक आइडल कॉस्ट परसेंटेजेस ही बताई हैं और उसके ऊपर एग्जांपल ही दिया है कि इतने से इतना आपको बच सकता है, बट अगर आप इसे ज़्यादा फोकस करके चलेंगे तो आप इससे ज़्यादा भी बचा सकते हैं। तो जो ये रेस्टोरेंट बिजनेस है ये कोई गेट रिच स्कीम नहीं है, यानी कि आप रातों रात इसमें अमीर नहीं बनने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो पैसा इनिशियली कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसको रिकवर करने में टाइम लगता है, 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है या 50% से ज़्यादा प्रॉफिट है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। इसमें आप जो एक आइडल, अगर मैं बात करूँ कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आप 20-30% कमा सकते हैं, पर ये डिपेंड करेगा आपके ऑपरेशंस पे, आप कैसे अपने रनिंग ओवरहेड्स को मैनेज करते हैं, उस पे कैसे फोकस करते हैं, कहाँ पे आप पैसा बचा सकते हैं। ये मेरा एक सिर्फ आइडल कैलकुलेशन था, बट अगर आप नॉर्मली इस फॉर्मूलाज को इस परसेंटेज के ऊपर कैलकुलेट करके देखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको 80-90% एक्यूरेसी ज़रूर मिलेगी। तो ये था गाइस आज का टॉपिक आपके रिवर्स कैलकुलेशन से रिलेटेड, जो कि आपके रेस्टोरेंट बिजनेस पे इफेक्ट करता है। अगर आप बिगनर हैं या आपको रेस्टोरेंट का नॉलेज नहीं है या आप रेस्टोरेंट नया ओपन करने वाले हैं, तो ये जो टूल्स हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नया रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहते हैं या सोच रहे हैं ओपन करने के लिए, तो आप इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक बार कैलकुलेट करके ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। आई होप सो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।